नमस्ते, मेरा नाम है चारू सिंह और लाइव लॉ में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली के रायट्स के एक्यूज्ड के बारे में। तो 2020 में आपको याद होगा दिल्ली में रायट्स हुए थे, जिसके बाद दोनों समुदायों के कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और इस मामले में 3 ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने परिवार से इस वक्त बात नहीं करने दी जा रही है, ऐसा कहा गया है। तो शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और शिफा उर रहमान के ऊपर ये आरोप है कि 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो रायट्स हुए थे उसमें वो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी को अंजाम देने में लगे थे। अभी कहा जा रहा है कि उनके और उनके परिवार के बीच में जो टेलीफोन पे होने वाली बातचीत है उस पर रोक लगा दी गई है। इस मामले में दिल्ली की एक अदालत ने तिहाड़ जेल के अधीक्षकों और कानून अधिकारियों को तलब किया है, यानी लॉ ऑफिसर्स और सुपरिंटेंडेंट्स को समन किया गया है। जनवरी 2 को जो इस मामले में सुनवाई हुई थी उसमें तिहाड़ जेल के 2 सुपरिंटेंडेंट मौजूद थे, एडिशनल सेशन जज अमिताभ रावत के आगे। सेंट्रल जेल नंबर 6 के सुपरिंटेंडेंट ने कोर्ट के आगे 2018 के दिल्ली प्रिजन रूल के रूल 631 को रखा। इसके साथ उन्होंने पिछले साल की 2 सितंबर की नोटिफिकेशन भी सामने रखी। 2 जो एक्यूज्ड हैं उनकी तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि रूल 631 के तहत पहले कॉल करने की सुविधा दी जा रही थी, परिवार से बात करने दी जा रही थी, लेकिन जो पिछले साल की नोटिफिकेशन आई उसके बाद ये फैसिलिटी रोक दी गई। कोर्ट को ये भी बताया गया कि एक आरोपी मीरन हैदर को कॉलिंग की सुविधा दी जा रही थी इस आधार पर कि रूल 631 जो है वो UAPA पर असर नहीं करता। ये बात जेल नंबर 8 की सुपरिंटेंडेंट के एक लेटर के सामने आई है और ये लेटर रिकॉर्ड पे है। ये तर्क भी दिया गया है कि रूल 631 के उन मामलों को पढ़ा जाना चाहिए जहां UAPA लागू होता है, जो UAPA के अंदर आते हैं, या फिर वो कैदी जो और कैदियों पर हमला करने में शामिल हैं। सुनवाई के दौरान ये सुझाव दिया गया कि इस मामले से जुड़े सभी सुपरिंटेंडेंट जो इन 3 आरोपियों को संभाल रहे हैं और जो लॉ ऑफिसर्स हैं उनको अदालत के सामने बुलाया जाए, अदालत के समक्ष पेश होने के लिए कहा जाए और उनसे कहा जाए कि वो अपनी निजी राय दें टेलीफोन की सुविधा देने के बारे में, और अलग अलग जेल की बजाय सारी जेलों की इस मामले में जो राय है उसको भी सामने रखें, अदालत के सामने उसके बारे में बताएं। कोर्ट ने कहा कि इन हालातों में जेल के लॉ ऑफिसर्स को एक नोटिस इशू किया जाए कोर्ट के समक्ष पेश होने का, और साथ ही साथ जो सुपरिंटेंडेंट है उन्हें भी कोर्ट के आगे पेश होने के लिए नोटिस दिया जाए। ये मुद्दा अब 7 जनवरी को सुना जाएगा। 2020 की जो FIR है इन आरोपियों के खिलाफ, जिस पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जाँच चल रही है, उसमें इंडियन पीनल कोड और UAPA के कई प्रावधान आरोपियों के खिलाफ लगाए गए हैं। जिनके खिलाफ चार्जशीट है उनका नाम है आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य सफूरा जरगार, खालिद सैफी, शदाब अहमद, तस्लीम अहमद, आसिफ इकबाल तन्हा, सालिम मलिक और अथर खान। आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ लाइव लॉ पे, और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।